लिंग का आकार या साइज कैसे बढ़ता है उसके बारे में मैं आपको एक साइंटिफिक जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लिंग का आकार कैसे बढ़ता है वो मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है उसमें। देखिए, लिंग शिथिल अवस्था में कम से कम 1 इंच से लेके 4-5 इंच तक रह सकता है। 1 इंच से लेके 3-4 इंच 5 इंच शिथिल अवस्था में जब सेक्स करने का होता है तब लिंग बड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, लिंग कठोर हो जाता है, टेंशन आता है, लिंग में तनाव आता है। और वो तनाव आने का कारण ऐसा है कि लिंग में अंदाजन 150 से 200 ml ब्लड प्रवेश करता है। लिंग में प्रवेश होता है ब्लड का, खून का, अपने ब्लड का, अपने बॉडी के खून का लिंग में प्रवेश हो जाता है। और प्रवेश होने के बाद में वो उसका साइज बढ़ जाता है। जब वो प्रवेश जो हुआ है वो साइज बढ़ा हुआ है, जब वो ब्लड वापस आ जाता है वहां से, तो लिंग का साइज फिर नॉर्मल हो जाता है, पिचक जाता है। तब ये ब्लड अंदर क्यों घुसता है, अंदर उसका प्रवेश कैसा होता है वो हम जान के लेंगे तो मालूम होगा आपको कि भाई लिंग का आकार बढ़ता कैसे है। देखिए, लिंग जो है उसका पूरा शैफ्ट है, पूरा ऐसा लिंग है, शैफ्ट है उसको बोलते हैं। और सामने ऐसा हेड है, टोपी जैसा, उसको बोलते हैं लांस पेनिस। अब ये जो शैफ्ट है इसमें 3 पाइप होते हैं, 3 पाइप, जैसे पानी के पाइप होते वैसे पाइप होते रहते हैं। जो 2 पाइप है उसको बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोजा, 2 पाइप, और एक नीचे पाइप रहता है ऐसा, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोजा पाइप जो है ये पाइप पिचके हुए रहते हैं। जैसा समझो कोई फुगा है, गुब्बारा है, वो पिचका हुआ है, उसमें हवा भरते तो फूल जाता है, वैसे गुब्बारे जैसे दोनों भी पाइप पिचके हुए रहते हैं, उसमें कुछ भी अंदर जाता नहीं है पिचके हुए। तो अब क्या होता है कि जब पिचके हुए दोनों पाइप है और इसमें यदि उसको सराउंडिंग, वो पाइप को सराउंडिंग जो स्नायु है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, उन्होंने दबा के रखा हुआ है पाइप को और पाइप पिचका हुआ है। अब ये जो प्रेशर बाहर से डाला हुआ है, ये पाइप को, कॉर्पोरा कैवर्नोजा को बाहर से प्रेशर डाल के, मसल्स ने बाहर से प्रेशर डाल के उसको पिचका के रखा हुआ है। अब ये प्रेशर समझो खुल जाता है। अब प्रेशर खुल गया तो क्या हो जाएगा, पाइप बड़े हो जाएंगे। पाइप बड़े हो गए अंदर के, निगेटिव प्रेशर आ जाएगा, निगेटिव प्रेशर तैयार हो जाएगा, ब्लड अंदर घुस जाएगा। तभी पाइप को सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं, पाइप को सराउंडिंग करने वाली सराउंडेड जो मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां को रिलैक्स करने का कार्यक्रम होता है, एक प्रोसेस होती है मांसपेशियां को रिलैक्स कैसे करें। तो मांसपेशियां को रिलैक्स करने वाला जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो नाम का द्रव पदार्थ। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वहां मांसपेशियां जो उसको सराउंडिंग है वो पाइप को, उसको ढीला कर देता है, रिलैक्स कर देता है। जैसा उसका प्रेशर जो उसके पाइप के ऊपर है वो प्रेशर निकल गया तो पाइप फूल जाता, निगेटिव प्रेशर तैयार हो गया, खून अंदर घुस गया। तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कारण है लिंग में तनाव आने का। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड यहां से कहाँ आ गया, यहां से कैसे क्या आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसको बड़ा कर रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आता है दिमाग में, जब एक्साइटमेंट होता है, सेक्स की भावनाएं होती है, तो दिमाग की सेक्स की भावनाएं जो है वहां से वो भावनाओं से एक्साइटमेंट आता है, वो मैसेजेस, वो इम्पल्सेस पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी, हड्डी में जो है वहां से जो ब्रेन रहता है स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वहां से पेनिस की तरफ जाता है एक्साइटमेंट। और वहां एक बार एक्साइटमेंट हो गया तो वह एक्साइटमेंट जो वहां लिंग तक पहुंच जाता है, वहां नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है, एनो बोलते हैं उसको, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन, और वो फूल जाता है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन जो हो रहा है, मतलब जो भी कोई घटना, जो भी कोई एक्साइटमेंट, नाइट एक्साइटमेंट करेगा दिमाग में और वहां से वो सेंसेशन जाएगा पीछे से, वहां नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड वहां तैयार हो गया ज्यादा, वो जो है मांसपेशियां उसका जो कंट्रोल है, प्रेशर है, निकाल देगा, वो जो पाइप है वो फूल जाएंगे, ब्लड अंदर घुसेगा। अब आगे की बात करते हैं। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड जो वहां सिक्रेट हुआ है उसको तोड़ दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है,
मेटाबोलाइज किया जाता है, फिर उसका असर एक बार खत्म हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड का, उसका असर एक बार खत्म हो गया तो मांसपेशियां फिर वो पाइप को पिचका देती है, बाहर से फिर प्रेशर डाल देंगे, जो प्रेशर निकाला था फिर प्रेशर करेगी और फिर प्रेशर करके उसको दबा देगी तो खून वापस चले जाएगा। तो ये इरेक्शन का और इरेक्शन निकलने का तरीका या उसकी प्रोसेस। तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक्चुअली जो एलिमेंट है, जो दो पदार्थ है वो कारणीभूत है तनाव आने के लिए, और तनाव जाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को खत्म करने वाली जो चीज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड को डिसइंटीग्रेट करने वाली, मेटाबोलाइज करने वाली जो चीज़ है, जो पदार्थ है वो पदार्थ कारणीभूत है कि उसको वो खत्म कर डालते, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव निकाल डालते, वो प्रभाव निकल गया खून वापस। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादातर सिक्रेट होने को होना और वहीं रहने को होना, और उसके तोड़ने वाले जो पदार्थ है, नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ने वाले पदार्थ जो है उसको तोड़ने देने का नहीं, उसको मेटाबोलाइज नहीं करने देने का। तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड को मेटाबोलाइज नहीं होने दिया तो ज़्यादा समय तक नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ टिके रहेगा, और ज़्यादा समय तक टिके रहेगा तो ज़्यादा समय तक एक्साइटमेंट रहेगा, इरेक्शन रहेगा, क्योंकि फ्लूड ब्लड वहीं रहेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव निकल गया तो ब्लड वापस। अभी देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आता, दिमाग में लिम्बिक सिस्टम है, वो लिम्बिक सिस्टम में फीलिंग्स है, भावनाएं, इमोशंस सब, सेक्स की भावनाएं वहाँ होती है, एंगर है, निराशा है, ये सब भावनाएं वहाँ होती है लिम्बिक सिस्टम में। तो लिम्बिक सिस्टम में सेक्स की भावना पैदा हो गई कि लिम्बिक सिस्टम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है PNS उसको एक्टिवेट कर देती है, और उसको एक्टिवेट करने के बाद में पीछे से वो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन वहाँ जाता है। फिर लिम्बिक सिस्टम कैसे क्या एक्टिवेट होती है, उसको कैसे सेक्स फीलिंग आते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम को सेक्स फीलिंग आने के लिए जो भेजा सामने का रहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ थॉट्स प्रोड्यूस होने को होना सेक्स के, वहाँ सेक्स के थॉट प्रोड्यूस हो गए। एक बार थॉट की प्रोडक्शन हो गई, थॉट्स तैयार हो गए, तो वो थॉट्स देते हैं अभी लिम्बिक सिस्टम को भावनाएं, वो थॉट्स तैयार करती है लिम्बिक सिस्टम में भावनाएं। फिर थॉट्स कहाँ से आते हैं, अभी हम उल्टा उल्टा जा रहे हैं, थॉट्स कहाँ से आ गए, तो थॉट्स जो है वो आ गए एक तो पास से, एक मेमोरी बैग है, वो मेमोरी बैग में पहले से जमा हुआ सब रखा हुआ है, वहाँ से थॉट्स आ रहे, कल्पना करते विजुलाइज करते, वो मेमोरी बैग से थॉट्स आ गए, लिम्बिक सिस्टम को एक्साइट किया, स्टिमुलेट किया। या फिर कोई लड़की को देखा, स्त्री को देखा, उसकी आवाज़ सुनी, उसको देखा, आवाज़ सुनी, फिर एक्साइटमेंट किया, फिर जो सेंसिटिव पार्ट है स्किन का उसको टच किया, मतलब कुछ भी अपने जो पंचेंद्रिय है वो पंचेंद्रिय से इन्फॉर्मेशन अंदर जाती, वो पंचेंद्रिय से इन्फॉर्मेशन अंदर गई, वो जाती है हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट रहता है, वहाँ से वो जाती है फ्रंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वहाँ थॉट प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ थॉट प्रोड्यूस हो गए कि वहाँ से जाते हैं वो लिम्बिक सिस्टम में, वहाँ सेक्स की भावनाएं तैयार होती, सेक्स की भावना तैयार हो गई कि पीछे से जाता है वो सेक्स की भावनाएं, कॉर्पस कैवर्नोजा में नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होता है। मैं फिर से दोहरा हूँ, सोमैटोसेंसरी स्टिमुलाई आती है वातावरण से, सोमैटोसेंसरी मतलब पंचेंद्रिय से अपने को इन्फॉर्मेशन आती है, वो होंगी टच स्किन से, चमड़ी से, टेस्ट नाक, सुगंध आता है तो आंखें और कान, ये जो है सोमैटो सेंसरी इम्पल्सेस अंदर जाती है। वो सेक्स की इम्पल्सेस अंदर गई सोमैटो सेंसरी एरियाज में, वहाँ से स्टिमुलेट करेंगी वो हिप्पोकैम्पस को, वहाँ से जाएंगी वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वहाँ होंगे थॉट्स तैयार। वहाँ और एक है अपनी जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरीज, उसकी जो मेमोरी बैग है वहाँ से भी इनपुट मिलता रहता है कि जो नया आया है वो और पीछे का पास्ट, सब इनपुट अंदर जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, वहाँ सेक्स के थॉट्स तैयार होते हैं, सेक्स के थॉट्स तैयार हो गए, फिर वो तैयार करेंगे सेक्स की भावनाएं लिम्बिक सिस्टम में, ये एरिया जो है वो सेक्स की भावनाएं तैयार हो गई, वो एक्साइट करेंगी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम PNS को, वो पीछे से करेंगी एक्साइट सिक्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड, कहाँ, जो पाइप है अपने कॉर्पस कैवर्नोजम या कॉर्पोरा कैवर्नोजा पाइप है, उसके जो स्नायु उसको ढीला करेंगे, उसके स्नायु से ऐसे ढीला करें तो वो ऐसे फूल जाते हैं, फूल गए तो पिचका हुआ पाइप जो है वो बड़ा हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है खून अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड जो तैयार हो गया
उसको तोड़ने का कार्यक्रम तुरंत शुरू, वो तोड़ने का कार्यक्रम हो गया, डिसइंटीग्रेट करने का कार्यक्रम हो गया, मेटाबॉलिक कार्यक्रम शुरू हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव खत्म हो गया, वो जो स्नायु पेशी जो है वो फिर से उसको दबाएगी, फिर से दबाएगी तो पाइप जो है दब जाएंगे, खून वापस। अब ये जो PDE5 जो दवाइयाँ हैं, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वो क्या करते हैं कि ये दवाई नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव कायम रहने देते हैं, उसको टिकने देते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा समय तक चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो PDE5 उसको बोलते हैं, PDE5 दवाइयाँ, PDE5 इनहिबिटर्स दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव ज़्यादा समय तक टिकने के लिए मदद करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा समय तक टिकेगा तो ज़्यादा समय तक इरेक्शन रहेगा, क्योंकि खून वहीं रहेगा, फिर अंदर वापस नहीं जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव खत्म हो गया, खून वापस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को काम करने दो और ज़्यादा समय तक काम करने दो, उसका प्रभाव खत्म मत करो। नेचुरली उसका प्रभाव खत्म होता है, वो खत्म नहीं होने देना, दवाई खाओ, उसका प्रभाव खत्म नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, वो वहीं काम करेगा, मांसपेशियों को फुला रखेगा, तो खून वहीं के वहीं टिकेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रभाव खत्म हो गया, वो पिचका देगा, वो प्रेशर डालेगा बाहर से, बाहर से प्रेशर डालेगा तो खून वापस जाएगा। तो इस तरह से जो है वो लिंक आकर बढ़ता है, जो मैंने वाला कॉर्पस पॉन्जियोसम, मतलब दो पाइप ऊपर से एक नीचे से, तो नीचे का जो पाइप है वहाँ से पेशाब होती रहती है और वहीं से वीर्य भी निकलता है, नली नीचे जो रहती है नली, वहाँ से वीर्य भी निकलता है, वो नीचे ऐसा रहता है, दो ऊपर ये नीचे, ये पाइप सब फूलने के बाद में इरेक्शन आते रहता है। तो ये हो गया हमारा कि भाई ये लिंग का आकार बढ़ता कैसे है। तो हमारा यही कार्यक्रम है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पंचेंद्रिय से अंदर स्टिम्युलाय डालो, नाइट्रिक ऑक्स थॉट्स तैयार करो, विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो, वहाँ से थॉट्स तैयार होंगे, थॉट्स तैयार हो गए, भावनाएं तैयार हो जाएंगी, भावनाएं तैयार हो जाएंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन हो जाएगा, पाइप फूल जाएंगे, खून अंदर आ जाएगा। इतना सिंपल है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा तो आप ये वीडियो दो दो बार तीन तीन बार घुमा फिरा के देखो, एक आकृति निकाल के देखो, ड्राइंग मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।